आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भूतिया मंदिर की खौफनाक कहानी एपिसोड 3। अब आगे। अंधेरे का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वह चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात ये थी कि उनमें से किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहाँ पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ? नेटवर्क होता तो पुलिस को तो फोन किया जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और न जाने बीच बीच में नितिन अजीब हरकतें कर रहा था। कभी कहता चलो उस मंदिर में चले, कभी कहता हम सब मारे जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज्यादातर मजाक ही लगा। मोबाइल के टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वह चारों पहाड़ों पर बढ़ने लगे, पर किसी और बढ़ रहे हैं इसका अता पता नहीं। उनको हर समय ये लगता मानो उसके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहाँ हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। इस पर विशाल बोला, यार ये कैसा गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब से मंदिर से बाहर आया हूँ यही गंध जैसे चारों तरफ फैला हुआ है। इस पर शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार ये गंध मेरा दिमाग खराब कर रहा है। हाँ यार। पर नितिन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये सब सुन विनय गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी लियो हो क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो बोलने से हम भी आए, अब कब से अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक चढ़ी है। विनय ने इतना बोला ही था कि विशाल चिल्ला उठा, वो देखो आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है, वहाँ नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। ये देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वह चारों नीचे उतरे। वह एक नहीं कई पहाड़िया छपरे के घर थे। वह जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। वहाँ के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे, पर एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम यहाँ सब कैसे। तब विनय बोला, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे। इस पर वह आदमी बोला, देखो बेटा घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है, और अब तो रात हो गई है और अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। इस पर विशाल बोला, तो काका हम क्या करें। उन चारों को परेशान देखकर वह आदमी बोला, आज रात यही हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। इस पर खुश होकर विनय ने कहा, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं ना। काका बोले, अब रात की ठंडी भी पड़ रही थी तो वही बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोले, अरे बाला अपनी माँ से कह जरा कुछ लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बेटा क्या है ना हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे ना। इस पर विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हो काका, हमारा पेट तो भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वह सुबह जाकर गरम कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वह पर्यटकों को बेचता था,
और उनके पिता, जो कि अब उन चारों के काका बन चुके थे, वह भी यही काम करते थे। उसी से उनका घर चलता था। केवल वही नहीं, वहां के आसपास के सभी यही काम करते थे। तब काका बोले, बेटा तुम इन पहाड़ों में इतनी रात को क्यों रुक गए? तब विनय ने कहा, अरे काका, वो ऊपर एक जंगल है, जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। इस पर घबराते हुए काका बोले, कौन? वो जंगल वाली बड़ी काली माता मंदिर? इस पर विनय बोला, हाँ काका, वही। ये बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ांग से खटिए से नीचे जा गिरा। वह एक बार फिर से न जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने में लग गए। उसे उठाकर खटिए पर लिटा दिया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, मानो उसके अंदर जान ही न हो। फिर नितिन को वही एक कंबल ओढ़ा दिया। तब विनय बोला, इसे बुखार हो गया है, शाम से ये दूसरी बार बेहोश हुआ है। इस पर काका बोले, क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वह जगह बहुत ही खतरनाक है। वो हाँ में जवाब देने ही वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुन विशाल बोला, अरे नहीं नहीं काका, हम तो उसे केवल देखने गए थे और देखकर चले आए। इस पर राहत की सांस लेते हुए काका बोले, अच्छा किया। शुभम को सवाल हो रहा था, इसीलिए काका को शुभम ने बोला, वो मंदिर खतरनाक क्यों है? वो अशुभ जगह है, सब ऐसा ही मानते हैं और वहाँ कोई नहीं जाता। तभी नितिन एकाएक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और झटपटाने लगा, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है, क्या हुआ? नितिन फिर से एकदम ठीक था, यह देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। नितिन के साथ मंदिर में जाने के बाद अब वह सामान्य नहीं था, और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है, पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना भी बन चुका था, दाल और मोटी मोटी रोटियां काकी ने बनाया था। 9 से ज्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य से दाल रोटी उनके सो से ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट थे। काका बोले, यही रुका सुखा है, इसी से ही पेट भर लो। इस पर विशाल भी बोल पड़ा, अरे काका, यही बहुत है हमारे लिए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो, तुम सबको अच्छा तो लगा। तभी नितिन बोला, यहाँ मांस नहीं बनती क्या? पर यह भी अच्छा है। ये सुनकर सभी हंस पड़े, और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहाँ पास में एक जगह पर चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने गए। तब विनय बोला, शुभम, कभी सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सो जाएंगे? तब शुभम ने कहा, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ भाई इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो यहाँ आकर काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार, पहाड़ों पर घूमने की वजह से वह सब थके हुए थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली, उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोर की पेशाब लगी थी,
वहां उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह चीज एक साए के धुआं की तरह उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम हो, फिर वह पेशाब करने लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख उसके होश उड़ गए। वह नितिन था, पर वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ और मुंह खुला हुआ था। फिर वह गायब हो गया। शुभम घबराया, अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा जहां वो सब सो रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी तो लगी ना? तो थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट देकर हमें कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।